साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया यहाँ पे। हाय दोस्तों, हरर गंगे आप सबके लिए एक फिर से नया वीडियो लेके हम आ चुके हैं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप सबके लिए होने वाली है। ये रन बसेरा है, महिला और पुरुष दोनों के लिए ही है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे किसी प्रकार के आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको एक आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा और बस घाट के ऊपर ही ये रन बसेरा है। आप यहाँ पे आइए, विश्राम कीजिए या फिर आप नाइट में भी स्टे कर सकते हैं। दिन में भी स्टे करने की सुविधा है और नाइट में भी स्टे करने की सुविधा है। बस आपको ब्रिज क्रॉस करनी है। जैसे आप कुसा घाट में एंट्री करेंगे तो एक रन बसेरा आपको लेफ्ट की ओर, एक रन बसेरा आपको राइट की ओर मिलने वाला है। राइट की ओर जो रन बसेरा है वो पुरुषों के लिए है और जो लेफ्ट के लिए रन बसेरा है वो महिलाओं के लिए है। तो आपको महिला वाला रन बसेरा दिखा दिए, अभी हम पुरुष वाला रन बसेरा भी आपको दिखाएंगे। अंदर से दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रुकने के काफ़ी सारे प्लस पॉइंट है, बाकी जो धर्मशाला और होटल पे नहीं मिलता, ख़ास तौर पे जो हम पैसे देके रुकते हैं वहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये घाट के जस्ट ऊपर है और यहाँ पे काफ़ी सारे हरे भरे पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप यहाँ पे विश्राम भी कर सकते हैं और माँ गंगा घाटों के किनारे आप बैठ के आनंद भी ले सकते हैं। तो चलते हैं, रन बसेरा का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये घाट है और अभी हम रन बसेरा में प्रवेश करने वाले हैं। ये हम आ चुके हैं पुरुष रन बसेरा में। यहाँ पे केवल पुरुष ही स्टे कर सकते हैं, महिलाओं के लिए जैसे कि मैंने पहले दिखा दिया वहाँ पे महिला जाएंगे। और अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं, फैन की सुविधा है, यहाँ पे बेड लगे हुए हैं। अगर एक्स्ट्रा लोग हैं उसके लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे बेड मिल जाएंगे, ये एक्स्ट्रा बेड है। तो सारे सुविधा है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो गई पहले से ही। एक्स्ट्रा मैट यहाँ पे रखा हुआ है, बेड है, बेड से अगर कोई बेड भर जाता है तो उसके बाद ये रखा हुआ है। पहले इसमें ये सुविधा नहीं थी, जो अभी सुविधा दिखाई दे रही काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आने के लिए आपको 7 बजे आना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रुके हुए हैं, लेकिन सामान की जिम्मेदारी आपकी होगी। सुविधा के लिए फैन, मतलब हर एक चीज़ फ्री में, और क्या चाहिए। घाट के नज़दीक एक कंबल भी ले सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों की जरूरत है तो। आप यहाँ पे रहते हैं अंकल जी? हाँ, आप यहाँ के देख रेख करते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, काफी साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया यहाँ पे। तो चलते हैं बाहर की ओर। अब ये आपने देखा भी, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, निशुल्क है, बेड लगा हुआ है, गद्दे हैं, अगर आपको और चाहिए रजाई वगैरह तो आप ले सकते हैं, वहाँ पे रखा हुआ है। ये है, इस घाट का नाम गौ घाट है। महिलाओं के लिए भी हमें दिखा दिया, जैसे आप यहाँ से निकलते हो और यहाँ पे बाहर आते ही आपको माँ गंगा की निर्मल धारा की ये आपको दर्शन हो जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि आपने भी सुना, वहाँ पे किसी प्रकार के आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 7 बजे आपको आ जाना है, 7 बजे के पहले ही आ जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भीड़ हो जाते हैं वहाँ पे। काफ़ी सारे लोगों को पता है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है। यहाँ से आप अगर हरकी पैड़ी आना चाहते हैं तो 300 मीटर की दूरी हरकी पैड़ी, सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो सुभाष घाट है, और थोड़ा दूर में जाएंगे शिव घाट है, और ब्रिज पार करते, जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है वो पार करते ही नई घाट और हरकी पैड़ी हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आने के लिए आपको किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट आपको पता ही है ये ऋषिकेश बाईपास वाले मार्ग से काफ़ी नज़दीक है। तो आप डायरेक्ट हरकी पैड़ी आना चाहते हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं, और अधिकतर भीड़ होती तो हम इधर से ही जाते हैं। और अगर आप डायरेक्ट ऋषिकेश बाईपास में उतरेंगे तो यहाँ पर आपको मात्र 100 मीटर चलने की ज़रूरत है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे।